नरेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस पंचम सुभान। निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपने निर्भरा यानी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत यानी सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान बानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख गात हर श्री हनुमंत चरण परे प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवन। प्रभु के बचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवन मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहे उठावा प्रेम मगन से ही उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीता सुमिरि सोदशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करी पुनि शंकर लागे कहने कथा अति सुंदर। कभी उठाई प्रभु हृदय लगावा कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका केहि विधि दयउ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। साखा मृग कई बड़े मनुताई साखा ते साखा पर जाई नागी सिंधु हाटक पुर जारा निशिचर गणपति विपन पुजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ नकश मोरी प्रभु काई। श्री रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है। हे नाथ इसमें मेरी प्रभुता अर्थात बड़ाई कुछ भी नहीं है। ताकम प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल तब प्रभाव बड़वान लही जारी सकई खलूल। हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से
रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़ नावल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगत अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनपायिनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी, एवो मस्त तब कहो भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एव मस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताही भजन तजि भाव न आना। ये संवाद जासुपुर आवा, रघुपति चरण भगति तोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। ये स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। तुम्हें प्रभु वचन कहाई कपि बंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। अब रघुपति कपि पति हैं बुलावा, कहा चले करु करु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर बानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिदास सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलम्ब के ही कारण कीजे, तुरंत कपिन कहु आय सुदीजे। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नवते भवन चले सुर हरसी। अब विलम्ब किस कारण किया जाए, बानरों को तुरंत ही आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोकों को चले। कपिपति बेगी बुलाए आए जूथम जूथ, नाना बरन अतुल बल बानर भालु बरूत। बानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया, सेनापतियों के समूह आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नाभि तीसा, गर्जहि भालु महाबल कीसा। देखी परम सकल कपि सेना, कितहि कृपा करि राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं, महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच जुत मनहु गिरिंदा। हरषि राम तब कीनि तयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया, अनेक सुंदर और शुभ शगुन हुए। जासु सकल मंगल मय कीति, तासु पयान सगुन हे नीति। प्रभु पयान जाना बैदेही, परकि वाम अंग जनु कहीं देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय सकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया, उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कहे देते हों कि श्री राम जी आ रहे हैं।
जोई जोई सगुन जाने की होई, असगुन भय राव नहीं सोई। चला कट तू कोबर नहीं पारा, गरजही बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो सगुन होते थे वही वही रावण के लिए अब सगुन हुए। सेना चली उसका वर्णन कौन कर सकता है, असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नक आयुध गिरे पादम धारी, चले गगन मणि के चारधारी। के हरिनाद भालू कपि करही, जगमगाही दिग्गज की करही। नक ही जिनके शस्त्र हैं बे इच्छा अनुसार सर्वत्र, बे रोक टोक चलने वाले रीछ बानर। पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार से, कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं, उनके चलने और गरजने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगार रहे हैं। करही दिग्गज ढोल मही गिर लोल, सागर खर भरे मन हरत सब गंधर्व सुर मुनि। नांग किंदर दुख टरे कट कटही मल कट बिकट भट बहु, कोटि कोटिन धावही जय राम सुबल प्रताप कोसल नाथ गुण गन गावही। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए अर्थात कांपने लगे, और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नांग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सकन भार उदार सही पति बार बार ही मोहनी, कह दसन पुनि पुनि कमठ पुष्ट कठोर सो किनि सोहनी। रघुवीर रुकृत स्थान स्थिति जानी परम सुहावनी, जन कमट खर पर सर्पराज सुलिखित अभिचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज से जीवी सेना का बोझ नहीं सह सकते, वे बार बार मोहित हो जाते हैं अर्थात घबरा जाते हैं, और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज सेठ जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान कल भालु विपुल कबीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे, अनेकों रीछ बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। उहानी सा चर रही सतंका, जब से जारी गयो कभी लंका। निज निज ग्रह सब करही बिचारा, नहीं निसी चर कुल केर उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जात दोष बल बरनी न जाई, तेरी आए पुर कवन भलाई। तू दिन सन सुन सुर जन पानी,
मंगोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर आने पर भला कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहा तिजोरी कर पति बदलाही, बोली वचन तीरथ पाही। कंत हरत हरि सन परिहर हूँ, मोर कहा अति तहिय धरम। वो एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति से पगी हुई वाणी बोली। हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हित कर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जात दूत कई करनी, वही कर भरा जनी जर धरनी। आसुनारी निज सचिव बुलाई, पटवहुं कंत जो चाहूं भला। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही अर्थात स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निता आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, इदन कुमार शंभु अजगी। सीता आपके कुल रूपी कमलों के बन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए अर्थात लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण अहिगन सहित निकर निसाचर के, जब लगी रहत न तब लगी जतन करहु सती के। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते अर्थात निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। बोलिए श्री रामचंद्र की, हनुमान की।